لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आलम ने अपनी किताब में साफ़ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है इस्लाम वो दीन है कि जिसको ख़ुद आलम ने मुनज़्ज़म किया है मुरतब किया है उसके तमाम अहकाम तमाम कवानीन तमाम बातें अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस दुनिया में बसने वालों के लिए नाजिल की बताई और भेजी इसी कुरान में ख़ुदा ने साफ साफ इस बात को बयान कर दिया कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है अब इस्लाम किसे कहते हैं उसकी क्या तारीफ़ है उसका क्या माना है ये अलग बहस लेकिन इस्लाम जो है वो तन यानी चंद अज़ा से मिलकर इस्लाम तश्कील पाता है इस्लाम बनता है इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है इस्लाम सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम नहीं है इस्लाम सिर्फ नज़र न्यास कर लेने का नाम नहीं है इस्लाम सिर्फ़ सिर्फ और सिर्फ़ फ़कत और फ़कत आज़ादारी का नाम नहीं है चंद चीज़ें हैं चंद मजमू का चंद मजमू हो उसमें और चंद मजमूे का नाम दीन दिन इस्लाम है उन्हीं में से उसी इस्लाम का एक जुज़ अहकाम है कि जिसको मुफसल तरीक़े से दूसरे इसीस बयान फरमा रहे होंगे इन अहकाम तकरीबन पाँच वाजिब हराम मक़रू, वो मुबा मुस्त वग़ैरह और इस इन अहकाम के साथ साथ इस्लाम का एक जुज़ जो है वो अकायद है कि जिसमें इंसान जाने कि उसका अल्लाह एक है नबी एक लाख चौबीस हज़ार मिस मिला नाजिल हुए बारह मासूम हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें अक़ायद में बयान होती हैं क़ैमत वग़ैरह और इसको भी तकरीबन दूसरे उस बयान फरमा रहे होंगे इस्लाम का तीसरा जुज और अहम तरीन जुज वो है अखलाक। इसका मतलब ये हुआ कि अहकाम अलग हैं अकाद अलग हैं और उसके साथ साथ अखलाक भी इस्लाम का एक जुज़ है इस्लाम के अज्जा में से जुज़ अखलाक है अखलाक क्या है अखलाक किसे कहते हैं उसकी अहमियत क्या है इसके बारे में कुरान ने क्या कहा इसके बारे में आइमा ने क्या कहा और क्या क्या चीज़ें मसादी के मसादी क्या क्या हैं ये एक मुफसल गुफगू है और चंद जलसों में इन सामने इसको वाज़ और बयान करने की पूरी कोशिश करेंगे अखलाक जिस लफ से बना है वह है खेर लाम और काफ़ इसी में ल़ भी, भी आता है इसी में खल भी आता है जिससे कहते हैं मखलूक़ खुदावंद मताल अल्लाह की पैदा की हुई तमाम चीज़ों को मखलूक़ परवरदार आलम कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें खल़ किया है अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है यह है खल़ इसका मतलब ये हुआ कि खल़ जो है जो चीज़ है जो चीज़ सामने नज़र आ रही है एक हैत की शक्ल में एक जिस्म की शक्ल में उसे खल़ कहते हैं मैं मिसाल के तौर पर एक तरफ से मैं खल़ हूँ लेकिन इसी से खुल अखलाक जो खुल है ये खुल्क़ इंसान की बातनी चीज़ों को बयान करता है इसकी अहमियत के हवाले से मैं आपके सामने बयान कर दूँ कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इस अखलाक़ी के इंसान के तमाम अहकाम और वाजिबात हराम ये अपनी जगह पर है लेकिन इसको यानि एक बातनी मलके के ज़रिए से जो इंसान का बातनी मलका होता है उसके ज़रिए से इसको अंजाम देना ये अलग चीज़ है मिसाल के तौर पर जाहिरन इंसान नमाज़ पढ़ रहा है रोज़े रख रहा है जाहिरन खोम्स दे रहा है जाहिरन मजलिस बरपा कर रहा है जाहिरन ये अपनी जगह पर है लेकिन इसको Uh, कितने गहराई के साथ अंजाम दे रहा है बातिन में क्या है किस एतबार से उसको अंजाम दे रहा है यह है इंसान का अखलाक बताता है ये पैगम्बर अकरम ने इसकी अहमियत के हवाले से बयान कर दूँ वैसे आयात बहुत सारी हैं यानी जो अखलाक की अर्जिश और अहमियत को बताती हैं इबा आदमान सूरभन इसराइल की आयत है इबा आदुररहानदीना यमशूनाद हवन वज़ा ख़ा तबाह ये अखलाक का एक छोटा सा नमूना है कि अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान रहमान के जो बंदे हैं अल्दीन यमशूना अललाहा यानी जब ज़मीन पर चलते हैं जब ज़मीन पर क़दम रखते हैं, हैं तो उनके इस कदम रखने में नरमी पाई जाती है उनके इस चलने में इंसान बड़े मतानत के साथ चलता है मतानत के साथ चलना यानी अकड़ के नहीं चलता है तकब्बर से नहीं चलता है वह ख़ातम ख़ा तबहम्ल जाहलून ख़ाल सलाम यानी जब जोहला इनसे मुखातब होते हैं तो इनसे बहुत नरमी से और आराम से गुफ्तु करते हैं जाहिल का जवाब जहालत से नहीं दिया जाता है इसका मतलब अगर जाहिल का जवाब जहालत से दिया जाए तो ये अखलाक नहीं पाया जा रहा मुमकिन है कि नमाज अपने वक, वक्त वक्त पेपर पढ़ता हो पन जगाना पड़ता हो सब कुछ पड़ता है लेकिन इस चीज़ को ख़ुद पैगंबर ने शायद फरमाया इसकी अहमियत के अखलाक इस अहमियत अखलाक के हवाले से पैगंबर ने शायद फरमाया इनमा बोस्तोले उतम मकार्मल अख्लाक यानी मैं मबूसी हुआ हूँ मैं भेजा ही सी दिए गया हूँ ताकि मैं मकार में अखलाक की इंतहा को बताऊँ कि अख्लाक किसे कहते हैं अख्लाक क्या है यानी पैगम्बर के अखलाक का तो कलमा वो भी पढ़ते थे इस बात की गवाही वो भी देते थे कि जो खुद पैगंबर का के बताए हुए रास्ते पर भी अमल नहीं करते थे लेकिन उनके अखलाक की गवाही देते थे कि पैगंबर को एक यहूदी ने जो है वो अकेले में पाकर तनहा पाकर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद तलवार लेकर सवार हो गया कि अब आप बताइए आपको कौन बचाएगा तलवार लेकर सवार हो गया और अब अब कह रहा है कि अब आप बताइए आपको कौन बचाएगा पैगंबर ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा मुझे मेरा खुदा बचाएगा अब आप देखिए कि यहाँ से पैगंबर का कितना ज़्यादा के पर ईमान था ये मुसलमानों को मोमिनों को शीयों को तमाम अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों को इस बात की तरफ भी एक बात की तरफ भी इशारा है कि इंसान अपने खुदा की रहमत से मायूस ना हो कोई मुश्किल आ रही हो कोई परेशानी आ रही हो अपने अल्लाह के ऊपर भी भरोसा रखे यानी कि काम छोड़ दे यानी कि हरकत छोड़ दे यानी कि इंसान की जो जो वजीफ़ा है उसको तैयार कर दे नहीं ये भी सोचे कि नहीं अल्लाह है हमारा निगेबान परवरदिगार आलम है हमारा निगेबान वो हमको बचाएगा तो अब पैगम्बर ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा जैसे ये कहा उसका हाथ दर्दा हुआ थरथराया और तलवार छूट गई अब पैगम्बर ने वो तलवार को उठा लिया अब पैगम्बर उसके सीने पर सवार हो गए कि अब बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा भाई तुम तो माखद हो नहीं तुम तो अल्लाह को मानते हो नहीं तो अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा तुम तो मेरी रिसालत गवाही देते नहीं हो मसलन, अब वो यहूदी कहता है कि मुझे मोहम्मद का अखलाक बचाएगा अब देखिए उसको भी यकीन था कि इतने ज़्यादा ये रहम दिल हैं नरम दिल हैं कि ये हमको क़त नहीं कर सकते कहा ये हमको मोहम्मद का अख्लाक बताएगा पैगाम नहीं सुना मुस्कुरा कर उतर आए और उसको जाने दिया ये अहम यानी क्योंकि तो इंसान अगर इन अखलाक को यानी अपना जेवर बना ले तो इंसान जो है वो बहुत ही तेज़ी से सफ़र करना शुरू कर देता है यानी उसकी परवाज़ बहुत आगे तक जाने लगती है इंसान अगर यानी इन अखलाकी मौजुआत को अपना यानी जीवर बना ले और बाकायदा उसके ऊपर पाबंद रहे अमल करे तो देखिए इंसान की इबादत भी एक एक ख़ास इबादत हो जाया करती है इंसान का सजदा भी एक ख़ास सजदा हो जाया करता है इंसान का हर अमल एक ख़ास अमल हो जाया करता है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को यानी खलक ही इसलिए किया है कि देखे आजमाए कि बेहतरीन अमल करने वाला कौन है और ये बेहतरीन अमल जो इंसान को अमल यानी इंसान के अमल को बेहतरीन अमल जो बनाता है वो इंसान का अखलाक है बहुत ही अहम मसला है बहुत ही अहम मौजू है ये हमारे माशरे के लिए हमारे समाज के लिए हमारे इलाकों के लिए हमारे महलों के लिए हमारी मस्जिदों के लिए हमारे मम के लिए हमारी घरों में होने वाली मजलिसों के लिए चाहे वो जनानी मजलिस हों चाहे वो मरदानी मजलिस हों तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है जिस चीज़ के मुतवज होने की ज़रूरत है और बेहतरीन अमल, अमल अल्लाह के सामने पेश करने की ज़रूरत है वो है इंसान का अखलाक मैं आगे बयान करूँगा कि अखलाक किसे कहते हैं क्या माना है तो ये हो गया अहमियत अखलाक के हवाले से कि इसकी अहम बहुत ज़्यादा अहमियत है ए, दीन इस्लाम में शरीयत में कुरान मजीद में तमाम रवायात और हदीस बहुत सारी हदीसें हैं कि जो अहमियत अखलाक को बयान करती हैं बहुत सारे ऐसे वाक़ात भी हैं कि अगर इंसान के पास थोड़ा सा भी इम है लेकिन अगर अखलाक अच्छा है तो वो थोड़ा सा इल्म भी उसके लिए काफ़ी हो जाया करता है लेकिन अगर बहुत सारा इल्म है लेकिन अगर अखलाक नहीं है यानी इंसान के अंदर इंसान के दिल में अखलाक नहीं पाया जाता तो बहुत सारा भी इल्म उसके काम नहीं आता है ये चीज़ थी मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ अब अखलाक की किस्में हैं अखलाक की किस्में हैं एक है अखलाक नजरी और एक है अखलाक अमली। अखलाक़ नजरी क्या है और अखलाक़ अम नजर... अमली क्या है नजरी यह है कि यह चीज़ ग़लत है ये चीज़ सही है इस काम को करना चाहिए इस काम को नहीं करना चाहिए ये इंसान को मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बत नहीं करना चाहिए दिलाजारी नहीं करना चाहिए पड़ोसी के हक़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी के घर के आगे कूड़ा नहीं रखना चाहिए किसी के ऊपर तान वनछर नहीं करना चाहिए है कि नहीं है अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहिए ये क्या है ये तकरीबन लोगों को किसी किसी न किसी हद तक मालूम है इस बात का इल्म है इसको कहते हैं अखलाक़ नजरी मालूम है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस काम को अंजाम देना चाहिए इस काम को अंजाम देना चाहिए लेकिन अखलाक़ली अमली ये है कि इस काम को ना करे तर कर दे अमल में मैं नहीं अब झूठ नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलेंगे झूठ हम किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए हम तो किसी की दिला नहीं करेंगे किसी की तोह नहीं करना चाहिए तो किसी की तोहिन हम नहीं करेंगे किसी से बहुत ज़्यादा फासले नहीं रखना चाहिए अपने रिश्तेदारों से सिले रह, सिले रहमी होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो क़त रही कत रहमी के बारे में नहीं क़़ रहमी ग़लत है लेकिन ये अगर सिर्फ यही तक महदूद है कि मालूम है गलत है और सिले रहमी नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ़ अखलाक नजरी तक महदूद है लेकिन फ़ौर पहुँच गया घर फ़ौन उसने कहा कि हम हमसे क्या ख़ता हो गई हमसे क्या गलती हो गई अगर कोई गलती हो गई हो तो हम ख़ुद माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो ये है अखलाक अमली आलम अमल का आजर देने वाला है खुदा वंदम जो है इंसान के अमाल अम, का आजर देगा मालूम है कि नमाज वाजिब है हाँ नमाज़ वाजिब है पढ़ते क्यों नहीं है क्या नहीं मालूम तो मगर पढ़ते नहीं तो उसको नमाज के ए, इसका सवाब नहीं मिलेगा कि जो नहीं पढ़ता है अगर पढ़ रहा है तो सवाब मिलेगा नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब नहीं मिलेगा है कि नहीं इंसान कुछ दे तब वहाँ से कुछ मिलेगा तो ये भी है कि इंसान अखलाक़ नजरी के साथ साथ अमली की तरफ बेानतहावज्जो करने की ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ़ इल्म तक महदूद ना रहे बल्कि उस इल को मली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करे वरना यानी मुश्किल यही है मालूम तो है कि बोलना चाहिए मालूम तो है कि मुसालहत कर लेना चाहिए मगर मुसालत नहीं कर मालूम तो है दोस्ती कर लेना चाहिए लेकिन दोस्ती नहीं कर रहा है मालूम तो है कि हमको जो है इससे हदीस मौजूद है कि कोई अगर किसी में इख्तलाफ हो जाए और तीन दिन तक ना बोले आपस में तो वो अब मुसलमान नहीं है हदीस पैगंबर की मालूम तो है कि लेकिन अब बोल नहीं रहे वो हम वो हम हम क्यों बोले पहले वो कह रहे वो हम क्यों बोलें पहले अगर हम बोले पहले तो गोया हम छोटे हो जाएंगे वो समझ रहा है कि नहीं अगर हमने वो बोला तो हम छोटे हो जाएंगे नहीं छोटा बड़ा को देखिए कि हमको अल्लाह के सामने कौन सा बेहतरीन अमल पेश करना है खुदा वंदम के सामने कैसे हमें सुरखरू होना है ये हमको बताता है अखलाकमली के साथ साथ इंसान को अखलाक नजर अखलाक नजरी के साथ साथ इंसान अमली की तरफ बेानतहा तवज्जो करने की ज़रूरत है ये हो गया अब इसके साथ साथ ये है कि अखलाक में इंसान जो है जो काम अंजाम दे रहा है वो फ़कत अपने हद तक महदूद ना रखे ये बाला तरीन अखलाक है बाला तरीन अखलाक यानी अखलाक का बहुत बड़ा मरतबा ये कि सिर्फ इंसान फ़कत और फ़क़त अपने इस नजरी और अमली में अपने हद तक महदूद ना रहे बल्कि उसकी नज़र बड़ी वसी होना चाहिए उसकी निगाह बहुत ही ज़्यादा वसी होना चाहिए उसमें वसत पाई जाना चाहिए यह बात हमको कहाँ से पता चलती है कि नहीं एक इंसान खुद अच्छा है तो ये ना सोचे कि हम ही अच्छे हैं दूसरा अच्छा ना होने पाए अगर हम नेक हैं हमारे अंदर यह सिफत पाई जा रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात यह है कि पाई जा रही है पाई जाना चाहिए उसका शुक्र करें और अगर ख़ुदा ना खास्ता हमारे बरदर दीनी में ये चीज़ नहीं पाई जा रही है तो हम उसके लिए दुआ करें हम उसकी कोशिश करें हम अगर अच्छे हैं तो खाली ये अच्छाई महदूद नहीं रहना चाहिए है हम तक फ़कत अपनी ज़ात तक अगर हमारे पास माल दुनिया है तो वक़्त हम तक महदूद नहीं रहना चाहिए कोशिश करें दूसरों को अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो हम ये कोशिश ना करके कि तो हम ही अच्छे खा अच्छा खाते रहें हमारा पड़ोसी अच्छा भी अच्छा खाए हमारे दोस्त भी अच्छा खाएँ हमारे तमाम के तमाम वो लोग जो यानी अल्लाह की मखलूक़ हैं हम मुसलमान हैं शिया हैं चाहने वाले हैं बैठ के उन सब की ज़िंदगी अच्छी, अच्छी हो हमारी फ़कत अच्छी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है ख़ाली हम अच्छे हो गए तो ये भी अख्लाक़ हमको इस बात की तरफ मुतवज़ करता है कि नहीं अगर ये अच्छाई पहली चीज़ तो ये कि कोशिश करें अंदर ये अच्छाई होना चाहिए अच्छाई पैदा हो जाए तो ये अच्छाई महदूद ये हमको जनाब इब्राहिम की दुआओं के ज़रिए से पता चलता है कि जनाब इब्राहिम ने अपनी उस दुआ में बताया कि ये चीज़ इंसान फ़कत अपने हद तक महदूद ना रखे बल्कि इसको थोड़ा सा वसअत दे कि दूसरों में भी ये बात पाता जब जनाब इब्राहिम ने ख़ान क़बा की तामीर की वरफ्रबैत व इसमाही जब जनाब इब्राहिम ने यानी अल्लाह के घर को बनाना शुरू किया और जनाब इसमाइल ने भी तो अब जनाब इब्राहिम ने पाँच दुआएँ की इससे पता चलता है कि ये मौजू अखलाक ये मसला अखलाक वक़्त महदूद नहीं होना चाहिए पहली चीज़ तो यह रब बना तकबल मन्ना कोई काम अगर इंसान करे कोई फेल को अगर इंसान अंजाम दे किसी भी बड़े से बड़ा फ़ेल हो तो बना तकबल मन्ना जनाब इब्राहिम अल्लाह का घर बना रहे थे जो आज तक मौजूद है और जिसके इर्द गिर्द मुसलमान हर साल चक्कर लगाना लगाते हैं तवाफ़ करते हैं वो वाजिब है मुसलमानों के ऊपर उस घर को बनाने के बाद जनाब इब्राहिम ये कह रहे हैं कि रबना तकब्बल मन्ना यानी अखलाक की पहली बुनियाद पहली सीढ़ी ये है कि अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो सबसे पहले ये कि इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए रबना तकब्बल मिलना परव मुझसे कबूल फरमा यानी इसका मतलब ये कि इंसान घमंड नहीं कर सकता इंसान तकब्बर नहीं कर सकता हकी नहीं इंसान को तकबर करने का घमंड करने का नाज और नखरा करने का कि मैंने ये कर लिया मैंने ये कर लिया मेरे घर की मजलिस इतनी बड़ी हो गई मैंने इस काम को अंजाम दे दिया नहीं इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बुनियाद सबसे पहली सीढ़ी यह है कि इंसान अगर कुछ काम अंजाम दे माह रमजान मुबारक आ रहा है कि इन श्ल्ला वैसे ही माहौल हो जैसे हुआ करता था कि अफतारी मस्जिदों पर जाया करती थी इस साल भी जाए इन अवतार लोग करते थे और इनशा उसी तरीके से अवतार करें मजलिस हैं मातम है नमाज नमाज़ें हैं रोज़े हैं कुरान खानी हैं क़ुरान है तमाम के तमाम उमूर ये सब करते चले आ रहे हैं लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए ये है कि इंसान के परवरदिगार इसको कबूल फरमा यह अफ्तारी कबूल फरमा ये घरों घरों पलेटें जो जा रही हैं परवदिगार इसको कबूल फरमा ये मैंने तबरुक बांटा परवदिगार इसको कबूल फरमा मैंने अपने घर में मजलिस की परदगार इसको कबूल फरमा मैंने घर में अपने घर में अपने घर में महफिल की पर इसको कबूल फरमा बड़े से, बड़, से बड़ा बड़े से बड़ा प्रोग्राम किया परव इसको कबूल क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये कि जो काम हम कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये हम अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं परवरदिगार परवदिगारम की खुश हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब पहली सीढ़ी पहली चीज़ ये कि अखलाक में किसी भी अमल को अखलाक कोई बताता है कि अखलाक इस बात का दर्ज देता है कि कोई भी अमल करें तो दुआ करें रब बना तकबल मिन्ना तहे दिल से इंसान जब दुआ करे इसका मतलब ये कि जो काम हम कर रहे हैं अल्लाह की खातिर कर रहे हैं जब अल्लाह की खातिर करें तो हमें अपने उस अमल की दुआ के लिए अपने दस्ते मुबारक बुलंद करना चाहिए खुदांदम इसको कबूल फरमा अब उसके बाद मरल आगे देखिए इसके बाद का मरला ये है कि दुआ करें फिर उसके बाद ये दुआ महदूद ना करें अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआ करें बड़ा अहम मौजू है बड़ा अहम नुकता है ये जनाब इब्राहिम की इस पाँच दुआएँ की जनाब इब्राहिम ने खान काबा को बनाते वक्त जब खान काबा को बना जनाब इब्राहिम जनाब इसमाइल तो पाँच दुआएँ की हैं जनाब इब्राहिम ने उस दुआ से पता चलता है कि अखलाक के जो मरातब हैं किस मरतबे तक ले जाने के लिए इंसान को दावत दी गई है अमल करे बेहतरीन अमल करे और बेहतरीन अमल करने करने के साथ साथ अल्लाह से उस अमल की कबूलियत की दुआ करे पहली चीज़ उसके साथ साथ महदूद न रखे उस अमल को अपने हद तक रब बना वजआल ना मुस्लिम लखरत परवरदिगार आलम अभी दूसरी दुआ है कि रब बना वजलना मसलमीना लकए हमारे परवरदिगार हम दोनों को यानी जनाब इब्राहिम और जनाब इसमा हम दोनों को अपना मुकम्मल फर्मा बरदार बना वज हम दोनों को क्या बनाए मुस्लिमी मुसलमान बना बनाए बना, फर्मा बरदार फर्मा बरदार बनाए लका अपने लिए यानी हमारा पूरा वजूद तेरे लिए हो हमारी हर हर सांस तेरे लिए हो हमारा हर हर अमल तेरे लिए हो हमारी तकरीर तेरे लिए हो हमारी सुखनरानी तेरे लिए हो हमारे घर का हर 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 चीज़ तेरे लिए हो कितना इंसान वाकिन कहाँ पहुँच सकता है इंसान कहाँ चला जाएगा इंसान जब अपने उस अमल को ये अख्लाक है जो हमको बता रहा है ये अखलाक है है जो हमको बता रहा है कि अपने उस अमल को किस हद तक इंसान जो है वो अमीक बना सकता है किस हद तक अपने उस अमल को गहरा बना सकता है वामिन दुरीत ना उमतन मुस्ल मतन देखा यानी फ़कत उस अमल की कबूलियत न फ़कत कबूलियत मेरा तेरा मेरा पूरा, पूरा वजूद तेरे लिए हो हम दोनों का पूरा वजूद तेरे लिए हो फ़कत यही नहीं वामिन जुरीतना मुसल मतन लक और हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत को पैदा कर हमारी नस्ल में से वो मीन ज़रूरियता उम्मतन हमारी नस्ल में से ऐसी जरूरीत को पैदा कर के मुस्लिमतन लक लख कहीं तेरी पूरी ताबे हो मुस्लिमतन लक लख पूरी ताबे हो तेरी पूरी इत्तेबा करने वाली हो ये उम्मत जो हमारी नस्ल में से इसका मतलब ये कि अख्लाक हमको इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि इंसान उस अमल को अपने हद तक महदूद न करे बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करे आने वाली नस्लों के साथ साथ ये कि अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें अपने आयजो और अकारे के लिए दुआ करे अपने दोस्तों के लिए दुआ करें अपने पड़ोसी के लिए दुआ करें है कि नहीं है ये चीज़ हमको अखलाक बताता है पैगम जनाब हज़रत फ़ातिम से सवाल किया था नहीं इमाम हसन मसल्मा ने कि आप घर को के लिए बाद में दुआ करती हैं पहले पड़का अलजार तुम्मार यानी पहले पड़ोसी हैं फिर घर वाले देखिए अखलाक के मरतबे तक कि हद तक इंसान फैस उसके बाद व इन वह आरेना मना से कना दुआई पर ख़त्म नहीं हो गई जनाब इब्राहिम की अल्लाह की बारगा में व आरेना मना से कना और हमको हमारी इबादतों के तरीक़े सिखा वह आरेना मना से कहना यानी जो हमारे जो ये हमको हम कैसे इबादत अच्छा करें वो तो हमको सिखा कैसे हम रोज़ा रखें वो तो हमको सिखा किस तरीके से हम नमाज़ पढ़ें वो तो हमको सिखा कैसे हम आज़ादारी करें वो तो हमको सिखा यानी ये कि जब तेरा लुत्फ़ शामिल हाल होगा इंसान के तो उसकी इबादत भी अच्छी होगी उसकी नमाजें भी अच्छी होंगी उसके रोज़े भी अच्छे होंगे और अब उसकी जो इबादत होगी तो उसके जो रोज़े होंगे क्योंकि खुदा वंद आलम यानी से दुआ है कि परवदिगार यानी ये कि जो 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 तोफ़ी में तो इजाफ़ा करता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी इबादतों में इजाफ़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी इबादतों में चार चाँद लगते चले जाएँगे व तो वही ना ये भी दुआ का जुमला है और हमारी तोबा कबूल फरमा यह भी अख्लाक हमको ये बता रहा है कि इंसान अपने गुनाहों से मायूस न हो अगर कोई खता हो गई है अगर कोई सरजनिश हो अगर कोई ऐसा फेल अंजाम पा गया है कि जो वाकिन गुना है ऐसा कोई फेल अंजाम पा गया है कि जो वाकिन गुना है तो अब उस गुनाह से इंसान मायूस ना हो नाउमीद ना हो जनाब इब्राहिम जनाब इब्राहिम इतना अजीम पैगंबर है वो कह रहे हैं वो तो वल परिगार हमारी तोबा को कबूल फरमा ले यानी यह कि इंसान को अख्लाक बताता है कि अपने गुनाहों से मायूस ना हो हाँ अब ना करे दोबारा ना अंजाम दे हाँ अब गुनाहों को तर्क कर दे काबर पर परिगार तो बेहतरीन तोबा को कबूल करना बेश है जो सिर्फ़ माफ़ कर देने वाला है और बड़ी रहमत का मालिक है ये इंसान को अख्लाक बताता है रब बना ये भी दुआ का जुमला है उसी दुआ में यानी अखलाक फकत महदूद नहीं रखता है इंसान को अपनी ज़ात से बल्कि इसमें काफ़ी वसअत पाई जाती है काफ़ी इसमें जो है एक वसत ऐसी वसुत जो फ़कत अपने से महदूद नहीं है बल्कि आइंदा आने, आने वाली नसलें बल्कि कई हज़ार साल कई सौ साल बाद भी अगर जो है वो नस्लें आने वाली हैं उस हद तक इंसान की निगाह होती है रबना वी हिम रसूलम मिन हम परवदिगार ऐसे रसूल को उनमें से भेज रबना पर रबना वफ़ी हिम रसूल जो उन्हीं में जो उन्हीं में से एक रसूल हो उसको मबूस फरमा वरमा अलैहिम आयातिक जो तेरी आयात की तिलावत करे किताब वल हिकमा और किताब और हकमत की उनको तालीम दे व युज़ कीम और उनका तस्किया करे उनको पाक करें ये क्या है दुआ कौन सी दुआ है जनाब इब्राहिम अपने ज़माने के नबी थे लेकिन वो बता रहे थे कि बेहतरीन अखलाक ये है कि जो इंसान को बहुत ही कमालात की मंजिल पर पहुँचाता है वो फकत अफ़ाल को अमाल को अपने से महदूद नहीं रखता बल्कि वो आने वाली नस्लें और उससे ज़्यादा बढ़ आने वाली पूरी उम्मत की वो फिक्र करता है तमाम लोगों की फिक्र करता है ये इंसान के अखलाक का बेहतरीन मरतबा है यह हो गया अखलाक का बेहतरीन मरतबा मैंने आपके सामने जो बातें बयान की अभी तक वो खुल्क और खलक किसे कहते हैं अहमियत अखलाक के हवाले से और अकसाम अखलाक के हवाले से और उसके साथ साथ जनाब इब्राहिम की वुआ के जो इंसान को इस चीज़ की मतवज करती है कि अख्लाक वो बताता है कि इंसान अपने अमाल को अपने से महदूद ना रखे अब बात आगे बढ़ती है अब यह है कि अच्छा अखलाक के असर क्या क्या हैं अगर इंसान का अखलाक अच्छा है अच्छा इस बात को बयान करता चलूँ कि अखलाक वक्त मुस्कुरा कर बात कर लेने को नहीं कहा जाता है कि बड़े बा, बड़ा बखलाक है एक अभी आगे एक हदीस आएगी जिसमें वाज हो जाएगी ये बात कि अखलाक कहते किसे अखलाक का माना क्या है? अब किसी के पास अच्छा अखलाक है तो उसके क्या क्या असर होते हैं टाइम बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है आ, लेकिन बातें बहुत अहम हैं अच्छे अखलाक के असर जो होते हैं सबसे पहली चीज़ ये है कि अच्छा अखलाक आ, निजात का जरिया हुआ करता है अगर किसी के पास अच्छा अखलाक है तो यानी इसका मतलब ये कि निजात का जरिया है अच्छा अखलाक तो फरमाना आप हजरात इंसान अपने अच्छे अखलाक से निजात पा जाता है अगर इंसान का अच्छा अखलाक है लोगों को मालूम है जैसे पैगंबर के पास दो असीरों को लाया गया दो असीरों को लाया गया और उसके बाद एक ही गर्दन उड़ा दी गई मशर्क थे जंग करने वाले थे पैगंबर के मुकाबले में एक को खत्म कर दिया गया क्योंकि मुकाबले में आए थे दूसरे के लिए जब जो है वो शमशीर चलने वाली थी कि जनाब जब्रैल नाजिल हुए जनाब जब्रैल नाजिल हुए अब जनाब ज़िब्रैल ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है कि इस शख्स को छोड़ दें क्योंकि ये शख़्स बाखलाक इंसान है बहुत ही अच्छा अच्छे अच्छा अच्छा अखलाक का मालिक है उसको छोड़ दिया गया तो अब वो बड़ा ताजुब में कि ये एक को तो मार दिया गया मुझे क्यों छोड़ छोड़ा जा रहा है पैगंबर की खिदमत आया उसने कहा मुझे क्यों छोड़ दिया गया तो पैगंबर ने कहा कि तुम्हारे अच्छे अखलाक के बिना पर अल्लाह ने तुमको फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया अब जब उसने ये सुना कहा क्या बताया परवरदे आलम ने आपके अल्लाह ने क्या बयान किया कहा अल्लाह ने यह बयान किया है कि तुम अपने ख़ानदान के साथ उसने सलूक करते हो नेकी करते हो बखील नहीं हो कंजूस नहीं हो बल्कि अपना पैसा उनके ऊपर खर्च करते हो उसने समझ गया कि ये रसूल ही हैं कि जो गैब की ख़बरें दे सकते हैं इनको क्या पता मैं क्या करता हूँ जब ये उसने जुमला सुना तो फ़ौर अपनी ज़बान के ऊपर अरहद्ल्लाशद हम मदर व वाशद कलमा पढ़ा और फिर वह मुसलमान हो गया इसका मतलब यह है कि अच्छा अख्लाक इंसान को कत्ल होने से यानी निजात का सब बनता है अच्छा अखलाक यानी इंसान का अगर अख्लाक अच्छा है और उसके अंदर ये सिफात पाए जा रहे हैं तो इंसान निजात पा जाता है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है इन शाला आइंदा के जलसे में इसके आगे की गुफ्तु को बयान करूँगा बात को मैं ख़त्म करता हूँ परव हम से दुआ करते हुए क्योंकि ये मुबारक महीना जो नज़दीक है इस मुबारक महीने के बाद सब हमको अपने ऐबों की तरफ जो हमारे अयूब हैं जो हमारी बुराइयां हैं हमको उसकी तरफ़ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमा मैं उन तमाम अयूब की तरफ मुतवज्जे हो सकूँ वाखु दावाना अनहमदिल्ल रबीआलमिनलिकम वाला वर्का